राज्य में अवैध मार्ग से सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये यहाँ की जनता सहन नहीं करेगी। ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय निखाड़े सभागृह में आयोजित कार्यकर्ता मेलावे में वे बोल रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को काम करने का सलाह दिया। इस प्रसंग पर व्यासपीठ पर संपर्क प्रमुख सुबोध मोहिते, प्रवीण कुंटे, प्रदेश सर चिटनिस अतुल वांगले, पूर्व विधायक सुरेश देशमुख, प्रोफेसर राजू तिमांडे, एडवोकेट सुधीर कोठारी, जिला निरीक्षक राजा टाकसाले, प्रोफेसर दिवाकर गमे, रांका जिला अध्यक्ष सुनील राउत, शहर अध्यक्ष विट्ठल गुलघाणे इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सर चिटनिस अतुल वांगले के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सुमारे 750 कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर चिटनिस अतुल वांगले ने अतिवृष्टि से नुकसान हुए किसानों और पूर्वग्रस्त को शासन की अभी तक मदद नहीं मिलने की शिकायत की और सरकार ने तत्काल मदद देने के लिए सभागृह में मांग करने की विनती पाटिल को की। प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के आगमन पर शहर के सीमा पर से बैंड बाजे के साथ बाइक रैली का स्वागत किया गया। कार्यकर्ता मेलावे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व नगर अध्यक्ष हरिदास काटकर, पूर्व पार्षद प्रलय तेलंग, राजेंद्र डागा, प्रोफेसर सुरेखा देशमुख, मृणाल रीठे, हेमंत चतुर, प्रशांत घबघवे, जितेंद्र शेजवाल, जगदीश वांदेले, अमोल बोरकर, सुचिता सातपुते इत्यादि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस वक्त महिला कार्यकर्ता की भारी संख्या में उपस्थिति थी। हिंगनघाट से बीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन योगेश लखोटे के साथ रवि यनौर की रिपोर्ट।